हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 125 आर के बारे में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इसकी की दिखा देता हूँ, मैं इसमें कौन कौन सी कलर आपको मिलने वाली ये बताने वाला हूँ, प्लस आपको इसकी प्राइस, इसकी एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको सुना दूंगा, प्लस आपको इसमें कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं एडिशनल फीचर। सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपको मिल जाती है एक स्पोर्ट लुक में, अंडर 1 लाख में आपको इसकी कीमत देखने को मिलती है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट करेंगे मीटर से। फिर इसमें आपको ब्लूटूथ मीटर मिल जाते हैं गाइस, देखने के लिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हो हीरो मोटर एक ब्लूटूथ करेंगे गाइस। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको की लगा करके इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो चेकलाइट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो करते रहेगा, और यहाँ पे मीटर में आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए आपको मिल जाती है अंडर 1 लाख। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इसे परचेस कर सकते हो, और अगर आप मेरे बताए वीडियो के थ्रू माध्यम से जाते हो तो आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है एडिशनल डिस्काउंट गाइस। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे दिखती है, प्लस चेक लाइट, फिर न्यूट्रल, प्लस ABS चैनल, ABS आपको मिल जाता है गाइस। ठीक है, और ABS चैनल अंडर 1 लाख आपको क्या चाहिए। ठीक है, इतना सारा फीचर आपको मिल रहा है गाइस। ओके, तो मैं इसको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसे परचेस कर सकते हैं, प्लस आपको ये कौन कौन से इसमें फीचर मिल रही है। ठीक है, आपको इसमें किसी भी तरीके का एडिशनल खर्चा नहीं करवाना। जैसे आप मान लो कि बाइक वगैरह लेते हैं बहुत लोग, तो क्या करते हैं उसमें इंडिकेटर वगैरह में ज़्यादा कुछ खर्चा करते हो, तो इसमें आपको एक फीचर मिल जाती है ट्रेल फीचर। ठीक है, इसको आप ये चालू करते हो तो आपकी चारों इंडिकेटर जलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी हैंडल बार किस तरीके से आपको यहाँ पे स्पोर्टी एक लुक में आपको देखने को मिल जाती है, पकड़ने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है, मैंने इसको चलाया है गाइस। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पे मैं आपको इसके हैंडल बार में बता देना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको लेफ्ट साइड में ही सारा कुछ फीचर कंट्रोल करने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो आप लाइट को, ठीक है, आपकी जो DRL है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा, आप यहाँ पे देखो इंडिकेटर का आपको यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट अप टर्न कर सकते हो इंडिकेटर को। ओके, प्लस यहाँ पे एक हॉर्न आपको मिल जाती है देखो यहाँ पे, और ये जो ट्रेल है मैंने इसको चालू किया, देखो यहाँ पे सारा इंडिकेटर यहाँ पे जल रहा है, आगे पीछे सारा का सारा इंडिकेटर यहाँ पे जलने ब्लिंक करने लगता है गाइस। ठीक है, अगर इसकी देखो यहाँ पे एक राइट साइड हैंडल में आपको सिर्फ और सिर्फ तीन एक ही फीचर मतलब मिलती है, आप इसको इंजन को आप कट कर सकते हो, फिर उसको चालू कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप 3 बार अब ये सबसे नीचे में प्रेस करोगे तो ये एक्सेलेटर का काम करेगा, मतलब कि ये चालू कर सकते हो आप इसे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको आप 3 में ऊपर में कर दोगे तो ये बंद हो जाएगी। देखो यहाँ से जस्ट आपको हैंडल बार कितनी स्मूथली और कितनी पतली टाइप में मिल जाती है पकड़ने के लिए गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी मिरर देख सकते हो, मिरर भी काफ़ी अट्रैक्टिव मिल जाती है। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर हम इसकी फ्यूल टैंक की अगर बात करें ना, तो इसमें भी E20 का आपको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है गाइस, 80% पेट्रोल, 20% एथेनॉल पे जो चलने वाली गाड़ी है वो आपको मिल जाती है। एक्सट्रीम का यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो, बाद में इसकी आप ये टंकी देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। अगर इसकी फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है गाइस। ठीक है, पहला चीज़, आप इसकी फेयरिंग आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे आपको ये कट वगैरह सारा जो है इसका काफ़ी अच्छा बनाया गया। अगर इसकी सीट की बात करें ना, तो सीट आपको स्प्लिट सीट मिल जाते हैं, यहाँ पे आप इसकी कॉलर देख सकते हो, क्रॉल देख सकते हो किस तरीके से आपको पकड़ने को मिल जाता है। अगर इसकी बात करें तो फुल्ली आपको स्पोर्ट्स लुक यहाँ पे देने का कोशिश किया गया है गाइस। ठीक है, आप इसकी लाइट देख सकते हो, लाइट के बाद में अगर हम बात करें तो नंबर जहाँ पे होल्ड होता है, नंबर होल्डर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बाहर में थोड़ा सा निकला हुआ मिल जाता है, और यहाँ पे नंबर आप पंच कर सकते हो, वहाँ पे लाइट जलती रहेगी। अगर इसकी इंडिकेटर की बात करें तो इसमें बल्ब मिल जाता है, इसमें इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता गाइस। ठीक है, जस्ट आप बस आपको यहाँ पे बल्ब मिल जाती है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी मडगार्ड जो है पीछे में काफ़ी आपको थोड़ा सा ये मजबूत टाइप में देखने को मिल जाता है गाइस। ठीक है, इसकी अगर बैक टायर की बात करें तो इसमें आपको व्हाइट टायर मिलता है। ओके गाइस, अगर टायर की बात करें तो यहाँ पे 130 mm का आपको टायर देखने को मिल जाता है गाइस। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इसकी सस्पेंशन की बात करें तो मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। प्लस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें अगर आपको 5 फीट आपकी हाइट है ना, तो भी आप इसे एडजस्ट करके आप अच्छे तरीके से इसमें आप बैठ सकते हो और इसे चला सकते हो। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मात्र 180 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस। ठीक है, तो जस्ट आप देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे इसकी इंजन पे आते हैं गाइस। ठीक है, इंजन की बात करते हो कि इंजन में आपको कितनी पावर मिल जाती है, क्या मिलती है, ऑयल कूल इंजन मिलता है नहीं मिलता है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें आपको इंजन यहाँ पे एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक वाली इंजन मिल जाती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करिए इंजन CC की, तो 124.7 CC का आपको इंजन मिल जाता है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करो तो 10.5 Nm के साथ में 6000 RPM देखने को मिल जाता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किक भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप में देखने को मिल जाती है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क पावर तो हो ही गया गाइस। ठीक है, और कूलिंग सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाती है देखने के लिए मात्र अंडर 1 लाख। ओके, फ्यूल सप्लाई भी काफ़ी NG है, फ्यूल इंजेक्शन भी आपको मिल जाता है, क्लच प्लेट भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर गियर
कि अगर बात करें तो गियर गियर बात तो कर ही लेंगे। ओके गियर अगर बात करें तो गियर आपको मिल जाते हैं 5 गियर। ओके गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई है गाइस। प्लस यहाँ पे 125 आर का आपको अच्छा सा एक स्टिकर देखने को मिल जाता है पहला चीज़। और इसकी सस्पेंशन की बात करें ना तो मोनोशॉक आपको सस्पेंशन रेयर में मिल जाती है। ओके गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डिस्क जो है ABS के साथ में आपको 240 mm का आपको डिस्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाइस। ठीक है और यहाँ पे देख सकते हो अगर टायर की बात करें फ्रंट टायर की तो फ्रंट टायर 276 mm का आपको फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है गाइस। ठीक है प्लस आपको ये जो टायर है मिलती है आपको ये क्या बोलते हैं ट्यूबलेस टायर मिलती है गाइस। ठीक है अब यहाँ पे अगर हम बातें थोड़ी सी इसकी ये हेडलाइट पे, ठीक है हेडलाइट और आगे की भी जितनी भी है सारा कुछ इसकी फीचर्स वगैरह बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो एक स्विच है आपको तो मैंने जैसा बताया था कि आप लाइट इसको डायरेक्टली इसकी ऑफ ऑन कर सकते हो गाइस। ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा इसको आगे मैं लेकर के चलता हूँ अगर हेडलाइट के पास मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हेडलाइट के पास अगर थोड़ा सा अगर हम जाते हैं ठीक है गाइस तो यहाँ पे आपको देखो हेडलाइट जो है यहाँ पे आपको काफ़ी यहाँ पे नंबर पंच करने के लिए आपको ऊपर मिल जाता है। यहाँ पे एक हीरो का एक लोगो मिलता है प्लस यहाँ पे LED लाइट आपको देखने को मिल जाती है। देखो यहाँ पे LED लाइट काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप में यहाँ पे इसको बनाया गया और इसकी देखो यहाँ पे इंडिकेटर की बात करें तो इसमें बल्ब मिल जाता है प्लस मूविंग इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाती है गाइस। ठीक है ऑयल एयर कूल्ड आपको इंजन यहाँ पे मिल ही रहा है पहला यहाँ पे इंडिकेटर आप देख सकते हो। प्लस में अगर इसकी बात अगर करें ना अगर प्राइस की तो आपको मिल जाती है ये 1,20,463 रुपये में आपको ये प्राइस देखने को मिल जाता है। अगर शोरूम की बात करें तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे मित्तल शोरूम का नाम है। ठीक है गाइस तो इसकी मैं सारी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नंबर वगैरह सारा कुछ मैं यहाँ पे डाल दूंगा गाइस। ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो ABS का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक अच्छी यहाँ पे काफ़ी एट्रेक्टिव इसकी मड गार्ड जो है ना वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है गाइस। ठीक है 125 R का यहाँ पे लोगो मिल जाता है प्लस यहाँ पे देखो एक इंजन में भी एक अच्छा सा स्टिकर दिया गया है गाइस। ठीक है प्लस आपको गियर यहाँ पे एक नीचे और 4 ऊपर गियर देखने को मिल जाता है गाइस। ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस फुटरेस्ट आपको काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप में अच्छी मतलब फुटरेस्ट भी आपको ठीक मिलती है। प्लस अगर इसकी ये चैन की अगर बात करें ना तो यहाँ पे आपको चैन कवर भी देखने को मिल जाता है गाइस। ठीक है चैन कवर प्लस इसमें आपको क्या है ना कि लेडीज़ फुटरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है बट यहाँ पे अभी क्या है इंस्टॉल नहीं है लगाया नहीं गया है आप इसको यहाँ पे लगवा सकते हो गाइस। ठीक है तो जस्ट यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अगर कोई बैठता है ना तो बहुत बार क्या होता है ना कि टायर में बहुत लोग का कपड़ा उपड़ा फंस जाता है। ठीक है जैसे मान लो कि महिला मतलब कि कोई भी बैठता है तो उसका साड़ी वाड़ी अगर फंस जाता है तो यहाँ पे आपको इसको कवर भी कर दिया गया है कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है गाइस। ठीक है यहाँ पे आप इंस्टॉल करवा सकते हो यहाँ पे लेडीज़ फुटरेस्ट भी आप यहाँ पे लगवा सकते हो प्लस आप इसकी साइड से लुक देख सकते हो काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। 1 लाख में आपको क्या चाहिए गाइस 1 लाख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स लुक आपको मिल जाती है प्लस बहुत सारे फीचर मिल जाता है स्प्लिट सीट में आ जाती है आप इसके पीछे से लुक देख सकते हो। बाद में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब